जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें ये बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए जिससे कि आपको नज़र लग सकती है, इससे हमारी कई सारी परेशानियां खड़ी हो सकती है। तो वो कौन सी बातें हैं, इस वीडियो में हम उन पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपकी जीवन में कोई तकलीफ़ या परेशानी से आप गुजर रहे हैं या कोई आप मेरी मदद चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के, तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, तो होता ऐसा है कि हम कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें लोगों को बता देते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बता देते हैं जिससे कि हमारी परेशानियाँ खड़ी हो जाती है। वो कौन सी बातें हैं, ये 3 मिनट की वीडियो में आप जान पाएंगे, और अगर आप इन्हें कैसे सही कर सकते हैं ये भी आप इस वीडियो में जान पाएंगे। इसे जानने के बाद आपकी शायद कई सारी परेशानियों का अंत हो जाए, परेशानियां खत्म हो जाए और कई सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपके साथ हमेशा रहे। तो हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। दोस्तों, उससे पहले एक छोटा सा मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, कमेंट्स में लिखे जय शिव शंभू, हर हर महादेव, और वीडियो को लाइक जरूर करें। और लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और कुंडली का विश्लेषण यदि आप कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और फिर आप बात कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो है दोस्तों हमारा धन। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि धन जब भी पब्लिकली हो जाता है हमें बिल्कुल सरकार को बताना चाहिए, प्रॉपर इनकम टैक्स भरना चाहिए, वो अलग विषय है, पर हमें हमारे आसपास पड़ोस जो समाज जात बिरादरी जो भी हमारे एक पूरा दायरा होता है वहाँ हमारे पास धन के बारे में चाहे कम हो ज़्यादा हो जो भी हो, पर हमारे आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं पता होना चाहिए। मतलब नहीं पता होने से सीधा सा मतलब है कि अगर व्यक्ति के पास धन होता है और लोगों को पता लगता है कि उनके पास धन है तो वो अपने झूठे बहाने करके आपकी जो अच्छाई है उसका मिसयूज़ करते हैं, और कई सारे लोगों के साथ ये हुआ है। वो थोड़े से रोएंगे गाएंगे और वो जो भी उनका हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार लोग गलती, सही लोग भी आते हैं पर सही कम हैं और गलत लोग इसका फ़ायदा ज़्यादा उठा रहे हैं। तो पहले और मुख्य बात, आपको ये कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरा होगा पारिवारिक बातें, जैसे पति पत्नी के बीच की बातें, हमारे माता पिता के बीच की बातें, जो गोपनीय बातें हैं जिसमें दो ही किरदार है, एक मैं हूँ मतलब आप हैं और एक कोई दूसरा है, हम दो किरदार हैं, तो दोनों की जिम्मेदारी है कि वो जो बात है गोपनीय वो कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, वो किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो बात सिर्फ एक हम जानते हैं कि वो हालात क्या थे, वो चीज़ें क्या थी, वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं पर हम किसी को नहीं समझा सकते, और उसको नहीं समझाने की वजह से कई बार ऐसी ऐसी परेशानियाँ क्रिएट हो जाती हैं कि हम उन्हें नहीं सही कर सकते हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी भी जब दो पात्रों के बीच, जैसे आप और किसी अन्य के बीच, जो भी गोपनीय बातें हैं कभी भी किसी से शेयर हमें नहीं करना चाहिए, जहाँ तक कि अति ज़रूरी ना हो तो। तीसरी बात है कि कभी भी आप जाने अनजाने में भी अपने गुरु मंत्र का पहले तो जाप करो, और आप कितना जप करते हैं ये जप कभी भी किसी को हमें नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, ये 3 चीज़ें हमें भूलकर किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। हर हर महादेव।